बस Z5 ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में देखिए कभी भी कहीं भी। अब वो हथकंडी बहू ने हथकंडे पे हथकंडे चलाए मगर हुआ क्या, कुछ भी नहीं। और हमने ऐसी बिसात बिछाई कि जारा ना चाहकर भी हमारे जाल में फंस गए। अबू हम जानते थे कि जैसे ही सैरून पे हम चोरी का झूठा इल्जाम लगाएंगे और आप फातिमा की फीस देने के लिए मना कर देंगे, जारा जरूर आगे आएगी और अपने बचे कुचे पैसे फातिमा की फीस के लिए जरूर देगी। और वही हुआ अबू, उसने सारे के सारे अपने पैसे दे दिए और खुद कंगाल हो गई। किस गलतफहमी में हो तुम जिन्नत, तुमने जारा को अपने जाल में नहीं फंसाया बल्कि तुम उसके जाल में फंस गई। ये तो हमारी किस्मत अच्छी थी कि कबीर ने आउट हाउस में जाने से मना कर दिया, वरना जारा को कंगाल करके तुमने मदद के नाम पर कबीर के उसके पास जाने के रास्ते और भी खोल दिए। नहीं अबू, आप एक बार सोच के देखिए। पहली बात, जारा के पास सिर्फ 60,000 रुपए बचे थे जिससे वो अगले 2-3 महीने तक अपना काम चला सकती थी, मगर क्या हमारे पास उतना वक्त था? दूसरी बात, जब तक जारा के पास पैसे थे तब तक वो कबीर के साथ इफ्तार करती थी, खाती थी, पीती थी, यहाँ तक कि जब तक कबीर की कार में बैठती थी हमेशा उसको सवारी के तौर पे 50 रुपए तक देती थी। अबू, जब तक पैसे थे जारा और कबीर एक साथ थे, मगर अब उसके पास पैसे नहीं है अबू। अब हालात बदल गए हैं और हम इसी हालात का फायदा उठाएंगे। सोच क्या रही हो? कबीर को ये यकीन दिलाकर कि जारा का ये एक नया हथकंडा है, भूखी जारा जिद करेगी कि कबीर उसे कमाकर खिलाए। हो सकता है कि कबीर भी ऐसा सोचे, मगर हम उसे ऐसा नहीं करने देंगे। जारा का ये सपना कि कबीर उसे कमाकर खिलाए, और ये सपना हम हरगिज पूरा नहीं होने देंगे अबू। कबीर रानीगंज से अभी तक लौटे क्यों नहीं? सामान कहाँ है कबीर? हमें तो लगा कि तुम हमारी बात मानकर यहाँ आउट हाउस में रहने की तैयारी कर कर आए। ख्याली प्लान कभी पकते नहीं, हमने फैसला कर लिया चाहे कुछ भी हम किसी भी हालत में तुम्हारे ये आउट हाउस में नहीं रहेंगे।